जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 5 किसानों की अस्थियां लेकर उनके परिजन और किसान आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहुंचे। इस वक्त संयुक्त किसान मजदूर यूनियन और अन्य संगठनों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। किसानों ने तारारानी चौराह पर अस्थियों को अभिवादन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा को जगह जगह लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब पूरे महाराष्ट्र में भी शहीद किसानों की अस्थियां ले जाई जाएगी। बता दें कि किसान आंदोलन को नई धार देने के लिए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियों को पूरे देश भर में ले जाने की योजना है, जिसके मद्देनजर देश में हर राज्य और जिले में शहीद किसानों की अस्थियों को ले जाकर उनके हक और न्याय की मांग की जा रही है। किसानों की मांग है कि लखीमपुर हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। अस्थि कलश यात्रा में किसानों ने कहा कि आंदोलन तीनों काले कानूनों के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ निजीकरण निगमीकरण के खिलाफ मेहनतकश आम आवाम की रोजी रोटी बचाने का भी संघर्ष है। जय शेतकरी हुतात्मे झाले, त्या हुतात्म्यांच्या अस्थि आज कोल्हापूरच्या अभिवादनासाठी इथे आलेले आहेत। आपल्याला माहिती आहे की गेले 11 महिने दिल्लीच्या सीमांच्या वरती या देशातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन चालू आहे आणि आंदोलनाची एकच मागणी आहे, महत्त्वाची मागणी ती म्हणजे हे जे शेतकरी विरोधी असणारे, जनता विरोधी असणारे 3 शेती कायदे आहेत, ते शेती कायदे रद्द झाले पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी देणारा केंद्रीय कायदा झाला पाहिजे, वीज विधेयक मागं घेतलं पाहिजे। या अत्यंत साध्या मागण्या शेतकरी करतायत। गेले 11 महिने हे शेतकरी अत्यंत गांधीजींच्या मार्गाने सत्याग्रहाचं आंदोलन करतायत, परंतु केंद्र सरकार या मागण्या मान्य करायला तयार नाहीच। या उलट ज्यांच्यासाठी हे कायदे आणले, त्या अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यामध्ये संपूर्ण देश देण्याचा त्यांचा कारभार चालू आहे। लगातार हो रही खाद की कालाबाजारी और निजी दुकानों पर खाद के अधिक दाम वसूलने की शिकायत के बीच रहली विधानसभा में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के प्रयास से समस्त समर्थन मूल्य दुकानों पर खाद को पहुंचाया गया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खाद वितरण दुकानों पर चल रही व्यवस्थाओं से संतुष्टि जाहिर की। किसानों ने खाद के संबंध में मांग और व्यवस्था की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के मांग के अनुरूप समय से खाद का वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक 52 में से 25 जिलों में जरूरत से कम खाद मौजूद है, जिसके चलते किसानों को खाद पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी भी कहा जा रहा है। लेकिन रहली विधानसभा में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के प्रयास से समस्त समर्थन मूल्य दुकानों पर खाद को पहुंचाया गया है, जिसकी जानकारी भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया से किसानों को दी है। इसी को देखते हुए रहली विधानसभा के ग्राम छिरारी में कलेक्टर दीपक आर्य और SP अतुल सिंह छिरारी खाद वितरण केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं चल रही व्यवस्थाओं से संतुष्टि जाहिर की। किसानों ने खाद के संबंध में मांग और व्यवस्था की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप समय से खाद का वितरण किया जाएगा। खाद का वितरण सुचारू रूप से चल रहा है, इसी के देखते हम लोग यहाँ पर आए थे और छिरारी में बड़ा अच्छे से वितरण हुआ है, जो किसानों के द्वारा मांग की गई है और आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति भी जल्दी की जाएगी। और शासन का, राज्य शासन का ये प्राथमिकता है कि सभी किसानों को समय रहते आवश्यकता अनुसार खाद दी जा सके। मध्य प्रदेश सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में शुक्रवार को वर्धा में स्थित छत्रपति चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। आंदोलन कर रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकर्ताओं ने तेजी से बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इस दौरान महिलाओं ने एक आंदोलन किया, जिसमें चूल्हा जलाकर महंगाई के असर को आग लगा दी गई। इसमें उन्होंने मांग रखी कि देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। इस मौके पर राकापा के अभिजीत फालके समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेव्हा या भारतामध्ये 2014 च्या आधी अच्छे दिन यायचे होते, तेव्हा या भारतामध्ये इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये पर बॅरल $102 प्रति बॅरल हा क्रूड ऑइलचा रेट होता।
आणि त्यावेळेस या देशामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आणि काँग्रेसचं सरकार होतं त्या सरकारनी फक्त 74 रुपये लिटरनी या देशामध्ये पेट्रोल त्यावेळेस होतं आणि 57 रुपये भावानी डिझेल होतं. आज जर बघितलं तर प्रति बॅरल रेट हा इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये क्रूड ऑइलचा $74 आहे, पण या अच्छे दिनमध्ये आजच्या डेटमध्ये आजचा पेट्रोलचा रेट 114 रुपये आहे आणि जर तुम्ही डिझेलचा रेट पकडला तर 104 रुपये आहे. त्यावेळेस सबसिडाईज सिलेंडर हे 491 रुपये होतं आणि आजच्या डेटमध्ये सबसिडीची पूर्ण आई बहीण एकत्र करून यांनी त्याचा जो रेट आहे तो 950 रुपये ठेवलेला आहे. आजच्या डेटमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर बेरोजगारीचा जो दर होता तो 2.2 होता मागच्या 2014 पर्यंत, ते 6.1 आहे. हे जे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त प्रत्येकाला म्हणतात की तुम्ही पाकिस्तानमध्ये जा, तुम्ही जर त्यांच्या फेवरमध्ये बोलले नाही तर या देशाचा पाकिस्तान करण्याचा जो विडा आहे तो भाजपच्या सरकारने उचलला आहे. मुंबई के कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र में कुछ स्थानों पर पानी की किल्लत की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले केडीएमसी मुख्यालय पर पानी के खाली बर्तनों के साथ मोर्चा निकाला गया. वंचित बहुजन गठबंधन के पदाधिकारी मिलिंद सालवे के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया था. पानी की समस्या के समाधान के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने केडीएमसी मुख्यालय में जोरदार नारों के साथ प्रदर्शन किया. इस वक्त टैंकर माफियों की जेबें भरने का आरोप लगाते हुए प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. बता दें कि पानी की किल्लत के कारण स्थानीय लोग हर दिन निजी टैंकरों से पानी खरीदते हैं. महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई कूपन लाइन के खराब होने से नागरिकों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर इस कूपन लाइन से आने वाले पानी में लार्वा आ रहा है. 27 गांव के नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के बावजूद नगरपालिका की ओर से अवास्तविक संपत्ति कर भी वसूला जा रहा है, जिसके चलते बहुजन आघाड़ी के बैनर तले केडीएमसी मुख्यालय पर पानी की खाली बर्तनों के साथ मोर्चा निकाला गया. कल्याण डोंबिवलीकरांना मागील 10 दिवसापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे आणि आमचं स्पष्ट मत आहे की या ठिकाणी अधिकारी टँकर माफियांना प्रोत्साहन देत आहेत. या ठिकाणी आयुक्त यांचं कुठल्याही प्रकारचं त्यांच्यावरती नियंत्रण नाही, त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचा तुटवडा भासत आहे. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की जे नवीन अनधिकृत बांधकाम जे फोपवलेले आहेत त्या अनधिकृत बांधकामाला मोठ्या प्रमाणामध्ये नळ जोडण्यात दिले जात आहेत, परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र कागदपत्रे मागितली जातात. हे अत्यंत दुर्दैवाचा निषेध म्हणून आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मोर्चा काढला. मध्य प्रदेश के जोबट अलीराजपुर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण के आगमन पर मूलनिवासी बहुजनों में परिवर्तन की क्रांति जागी. जोबट में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर चंद्रशेखर आजाद रावण का स्वागत किया गया. जिनके पास वोट होगा उनका राज होगा. भारतीय ट्राइबल पार्टी के समर्थन में जोबट के अलीराजपुर पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बहुजन जनसैलाब उमड़ा था. इस वक्त जैस संगठन द्वारा चंद्रशेखर आजाद को आदिवासी संस्कृति की पीली पगड़ी पहनाकर तीर कमान भेंट दिया गया. इस बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने देश में बढ़ती महंगाई, दलित आदिवासी पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के दुष्कर्म और हत्याओं पर शीघ्र ही अंकुश लगाने पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 और 2023 के चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा प्रस्तावित सरकार को भुगतना पड़ सकता है. इस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने एक तीर एक कमान, SC ST एक समान का नारा बुलंद किया. देवास मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाले इक्वालिटी न्यूज के लिए. खबरों के अंत में देखते हैं इक्वालिटी न्यूज के संवाददाता द्वारा हरियाणा झज्जर जिले के बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश दोचानिया जी से की गई यह बातचीत. जय भीम साथियों, आज हम आए हैं हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर में और आज हम बात करेंगे झज्जर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश दोचानिया जी से, जो बहुजन समाज पार्टी के 2004 से 2007 तक पहले भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी ने अब सत्य प्रकाश दोचानिया पर विश्वास जमाते हुए अब 4 दिन पहले इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है. तो सर, सबसे पहले इक्वालिटी न्यूज चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई. धन्यवाद प्रवीण जी और धन्यवाद इक्वालिटी न्यूज चैनल और सभी साथियों को. जय भीम.
तो सर अभी आप झज्जर के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो आप अब झज्जर में ऐसा क्या करने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर आप आगे बढ़े? प्रवीण जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में पूरे देश में पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, और हरियाणा प्रदेश में भी जब से हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और आनंद जी को लगाया गया है तो पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अभी दो दिन पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम अम्बाला में हुआ है जिसमें कि ग्राउंड रोड पे भी लोग खड़े हुए थे, इससे लगता है कि पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आने वाली है। दो दिन पहले कौन सा ऐसा प्रोग्राम हुआ है और कहाँ पे हुआ सर? मान्यवर साहब कांशीराम जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर अम्बाला में जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता रामजी गौतम जी आए हुए थे। उन्होंने बिल्कुल कैडर के हिसाब से वर्करों को समझाया और भीड़ को देखकर रामजी गौतम जी गदगद थे उसमें। क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश में 2009 में वोट बैंक 16% बढ़ के आया था और 2009 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी का अगर आप दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है तो इस पर आपके क्या विचार है सर? प्रवीण जी, 2009 में 16.5% के लगभग बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक आया और उसके बाद जो विरोधी था वो सचेत हो गया और मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाके जो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम किया गया, हमारे जो प्रदेश के नेताओं को प्रभारियों को जो बदनाम किया गया, उससे हमारा जो वर्कर था वो हताश हो गया और उसको काउंटर नहीं कर पाया, इसलिए हमारा ग्राफ गिरा। लेकिन अब पार्टी बड़ी मजबूती के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, और धन्यवाद देना चाहूँगा इक्वालिटी न्यूज़ चैनल जो कि अब बहुजन समाज पार्टी की एक आवाज़ बन के स्थापित होने जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा ग्राफ जो है ना, इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।